स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जगह जगह लगाए गए वाटर वेंडिंग मशीनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन वाटर वेंडिंग मशीनों से लोगों को शुद्ध जल की बजाय निराशा ही हासिल हो रही है और आलम यह है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में इन वाटर वेंडिंग मशीनों में एक बूंद पानी भी नहीं है। इनमें से अधिकतर मशीनें खराब हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उनका पानी पीने के लायक नहीं है। तो बाकी रही बात इनकी, जो शुद्ध जल लिखा हुआ है एक दो जगह पे कि एक रुपया डालो पानी मिलेगा, पानी पे हाथ लगा के देखना कोई पी जाएगा तो बात करना, सर्विस ही नहीं है, वो चीज़ें साफ ही नहीं हुई है, पता नहीं कब की लगाई हुई हैं, आज तक बंद पड़ी हुई हैं, ट्रांसफार्मर सड़ चुके हैं, पब्लिक प्यासी मर रही है, किसी मंदिर के बाहर या फिर पैसे पॉकेट से खर्च के दुकान पर जाके बॉटल लेनी पड़ती है। अगर आप बोलो रास्ते में चलते हुए गवर्नमेंट के लगे फ्रिजों से पानी पीना तो वो नहीं है। यहाँ पर ये मेन स्टॉप है इस टाइम पे इंदिरा चौक, यहाँ पे पीछे आपके फ्रिज लगा है, अगर आप दिखा सको, ये 10 साल 20 साल पुराना फ्रिज होगा, आज तक रिपेयर नहीं हुआ, पानी इतना गर्म है ना इसका कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको, गंदी पड़ा है ना। इधर एक और था पीछे, वो तो उखाड़ ही दिया इन्होंने, वो निकाल ही दिया। एक ऊपर हरी मार्केट में है वो बंद रहता है, ये एक इधर नाके के पास में है, इसका भी पानी नॉर्मल है, कोई ठंडा पानी नहीं कह सकते इसको हम। फ्रिज सर मेरी नज़र में कोई सर्विसेज ही नहीं है उसकी, कोई पानी नहीं मिला हमें आज तक, मैंने तो अपनी इसमें कोई भी नए फ्रिज में से ये जो एक रुपया डाल के शुद्ध पानी पियो, कोई मैंने फ्रिज में से ऐसा पानी पिया ही नहीं है, ना मेरे को मिला ऐसी जगह पे, ना कोई एक रुपया डाल के पानी आया, जो आया भी है वो पीने लायक वो नहीं आया कि इस गर्मी में वो बंदा पानी पी सके। वर्क नहीं कर रहे हैं सर, उनकी सर्विस ही नहीं है, वो कोई खराब हो गया, ऐसे नॉर्मल जल भी नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ पे बहुत ही तंग है, 40-42 टेम्परेचर ऊपर जा रहा है इस वक्त, तो पानी की सुबह से लेकर शाम तक कम से कम भी 5 लीटर एक बंदे को जरूरत है पानी। जो लोग अगर इन वाटर कूलरों में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो बाहर से खरीदने के लिए 20 रुपए 10 रुपए 30 रुपए बोतल लेने के लिए मजबूर है, 50 रुपए भी खर्चने के लिए, जब पानी नहीं होगा तो 50 खज्जल हो रहे हैं, पानी तो है ही नहीं है। ऊपर से नलके जो है बने हुए हैं, डंगे भी इन्होंने तोड़े हैं लेकिन आज तक इन्होंने डंगे दोबारा नहीं बनाए। एक शराबी आया था वो भी नीचे गिरा यहाँ से, ये अब पीछे यहाँ पर रुके।